हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहार। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कार्डिगन में राउंड नेक और सिलाइयों से शोल्डर जोड़ना सिखाऊंगी कि आसान तरीके से कैसे हम शोल्डर जोड़ सकते हैं और बहुत आसानी से हम कार्डिगन की राउंड नेक बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए इसको शुरू करते हैं कैसे करना। सबसे पहले आप ये जो मैंने शेप बनाई हुई है ये बताती हूँ कैसे बनानी है। फ्रेंड्स, ये जो कार्डिगन की हमने यहाँ पे राउंड नेक स्टार्ट होती है कैसे करनी होती है, जब आप कार्डिगन के मुड्डे की घटाई करोगे, 3-2-1 की मैंने घटाई की हुई है। आजकल के कार्डिगन में इसी तरह से होती है, बहुत हो जाती है। जब हम यहाँ से 3 फंदे घटाएंगे तो एक सिलाई हम अपनी बना लेंगे। जब हम दूसरी सिलाई बनाते हुए आएंगे फ्रेंड्स, तो हम एक फंदा वहां से, ये जो बटन पट्टी के फंदे होते हैं इन्हें छोड़कर अंदर वाली साइड से 2 का 1 कर देंगे। फिर हमारी जो दूसरी बार हम जाएंगे, 2 की घटाई यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ से घटा देंगे, फिर आते टाइम भी हम 1 फंदा घटा देंगे, यानी 1 फंदा उल्टी सिलाई में, 1 सीधी सिलाई में, 1 उल्टी सिलाई में। इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर 4 फंदे लगातार घटाएंगे, जिससे हमारी ये जो पट्टी है एकदम से ऐसे मोड़ आ जाएगा इसमें। उसके बाद हम जो है चौथी या 5वीं सिलाई पर ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इन्हें छोड़कर अंदर वाली साइड से 1-1 फंदा कम करते हुए जाएंगे। जो हमारा डिजाइन है जिस तरह से बन रहा होगा उसे उसी तरह से सेट करते हुए जाएंगे और अपने मुड्डे की लेंथ पूरी कर लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड का पल्ला तैयार कर लेना है। और ये जो हमारा पीछे का पल्ला फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर की यहाँ पर ये कमेंट आ रहे हैं कि हम कार्डिगन में जो है बैक गले की कितनी घटाई करें। तो सबसे पहले आज आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, कार्डिगन के लिए चाहे हम राउंड नेक बनाएं चाहे हम कॉलर नेक बनाएं, कार्डिगन में बैक गले की घटाई नहीं होती है। चाहे आप बच्चे के लिए भी अगर कॉलर गला बनाती हैं उसमें भी नहीं होती है, और लेडीज के कार्डिगन की तो चाहे आप राउंड नेक करें चाहे आप जो है कॉलर नेक बनाए, लेकिन ये बैक गले की घटाई कभी भी नहीं होती है। आप अपनी जो है इस तरह से देखिए, मुड्डे की घटाई करने के बाद 8-8.5 जितनी अपने अपनी लेंथ करनी है, लेंथ करने के बाद सारे फंदे सिलाई में इस तरह से छोड़ दीजिएगा। अब हम सबसे पहले जो है इसकी राउंड नेक बनाने से पहले इसके कंधे जोड़ेंगे। कंधे फ्रेंड्स हम सिलाइयों से जोड़ेंगे। देखिए कैसे करना होता है। ये हमारा कार्डिगन का जो है सीधा पार्ट है, क्योंकि ये सीधा है, यहां से इसका उल्टा है। ये हमारे आगे वाले पल्ले हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सीधे से सीधा मिलाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे मुड्डे से मुड्डा मिल गया है यहाँ पर, और ये जो पट्टी है हमारी देखिए अंदर की तरफ चलेगी, सीधे से सीधा मिलाएंगे। और इसी तरह से हमने ये वाला करना है, सीधे से सीधा मिलाएंगे। तो एक को तो हम एक साइड कर लेते हैं, पहले हम इधर का जोड़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सिलाइयों से जोड़ना वैसे सबसे आसान होता है। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको सुई से भी जोड़ना सिखाऊंगी कि सुई से कैसे जोड़ा जाता है, लेकिन आज हम इसे सिलाइयों से ही जोड़ेंगे। इसके फ्रेंड्स 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप जो है दोनों सिलाइयों को देखिए इस तरह से पकड़ेंगे, एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से लेके 2 का 1 करेंगे, वापस सिलाई में डालेंगे, फिर इधर का और इधर का लेकर के 3 का 1 करेंगे। बट इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कोई फंदा आपका ढीला रह जाएगा, कोई आपका टाइट हो जाएगा, लेकिन वो सफाई नहीं आएगी और टाइम भी आपका बहुत ज्यादा लग जाएगा। आज मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ कि कैसे करना है। उसके लिए आप एक इस तरह से गले वाली सिलाई ले लीजिएगा जिसमें दोनों तरफ से नोक होती है। इसका क्या फायदा होता है, देखिए हमारा धागा इधर हो या इस इधर हो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिधर से हम चाहेंगे इसके कंधे को जोड़ पाएंगे। तो आप इसके लिए आसान तरीका यह है कि ऐसी सिलाई लीजिएगा, इन दोनों को ऐसे मिलाइएगा, सीधा और ये वाला सीधा, सीधे से सीधा, देखिए ऐसे। ये मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए एक फंदा हम यहां से लेंगे इस वाली सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई का ले लेंगे, एक इसमें से लेंगे और एक इसमें से लेंगे। इस तरह से करते हुए फ्रेंड्स देखिए हम ये सारे फंदे अपने इस सिलाई में इकट्ठे कर लेंगे, एक फंदा उस सिलाई में से ले लेंगे, एक इसमें से। ये बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स, ना कोई फंदा आपका छूटेगा और ना आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से और एक जैसे बिल्कुल सफाई से आपके कंधे जुड़ेंगे। फ्रेंड्स आप अपने कार्डिगन में इस तरह से कंधे जोड़िएगा और जोड़ के आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये तरीका
कैसा लगा। देखिए ऐसे कर लेना। ये जो फ्रेंड्स हमारे बटन पट्टी वाले फंदे हैं, ये आपने इसमें नहीं लेने हैं। हमने जो फ्रंट वाले पार्ट के 30 फंदे छोड़े हुए हैं, वही 30 फंदे उधर से और 30 फंदे पीछे वाले पल्ले के हमने ऐसे करने। देखिए फ्रेंड्स ऐसे हो जाएंगे ये। यहाँ ये जो बटन पट्टी के 10 फंदे हैं, इनको हमने नहीं लेना। देखिए मैं पूरा आपको करके दिखाऊंगी। एक फंदा इधर का, एक इधर का, इसी तरह से आपको इन्हें लेते हुए जाना है। ये सारे फंदे हम इसी में ले लेंगे। एक इसमें से, एक इसमें से, एक यहां से। बहुत आसानी से फ्रेंड्स ये कंधे जुड़ते हैं, क्योंकि हम दोनों सिलाइयों को पकड़ के जब हम जोड़ते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। बीच बीच में से फंदे छूट जाते हैं, कोई फंदा हमारा ढीला हो जाता है तो कोई बिल्कुल ही निकल जाता है। और ऐसे में आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, बस एक बार इनको इकट्ठे करना है। ये देखिएगा, अब हमारे जो है फ्रेंड्स ये इसके पट्टी के फंदे रह गए हैं। देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11। मैंने ये 11 फंदे की जो बटन पट्टी बनाई है, सिर्फ मेरे वही फंदे रह गए हैं। अब देखो यहाँ पर हमने ये सारे फंदे इसमें ले लिए हैं, 30 फंदे इधर के और 30 फंदे इधर के। अब हम क्या करेंगे, यहां से इन्हें बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम दो फंदे का एक करेंगे, देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमने दो का एक किया है, इसे वापस सिलाई में डालेंगे। अब आगे हम तीन फंदे का एक करेंगे। ना ज्यादा आपने इसको टाइट बंद करना है और ना ही बिल्कुल आपने इसको लूज छोड़ना है। नॉर्मल हाथ से इसको बंद कीजिएगा। देखिए दो, तीन का एक किया, वापस इसको सिलाई में डाला। अब एक ये वाला और दो आगे वाले लेकर के ये मैं सारे फंदे इसके बाइंड ऑफ कर देती हूँ। आपने भी ऐसे ही करने हैं। देखिए फ्रेंड्स इनको ऐसे करता है, एक बार ही दो का एक करना है। आगे तो आपने एक तो हमारा ये वाला फंदा डल जाता है और दो आगे वाले तीन का एक करते हुए ये सारे फंदे इस तरीके से मैं बंद कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहां से और अब इधर से, तो मैं यहां से यहां तक पहले बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने यहां तक अपने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब कैसे करना है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। ये वाला कंधा हमारा देखिए जुड़ गया है, आप अंदर वाली साइड से देख लीजिएगा, बहुत अच्छी इसमें सफाई आती है। बिल्कुल आपका जो पैटर्न होता है, पैटर्न के साथ पैटर्न आपका मिल जाएगा, ऐसे में बिल्कुल पता ही नहीं चलता है यहाँ से। अब यहाँ से हमने क्या करना है, राउंड जो हमारे पीछे के पंदे बचे हुए हैं, पीछे वाले पल्ले के, वो हमने बंद करने हैं। उनको बंद करना है तो देखिए ये जो पट्टी वाले फंदे हैं, ये वाले, इनको हम छोड़ देंगे ऐसे ही इसी सिलाई में, और ये फंदा हम इस सिलाई में डाल लेंगे ऐसे। और यहाँ 30 फंदे रहने तक इस कंधे पर, और ये सारे देखिए इसी वाले धागे से, क्योंकि हम यहाँ से बंद करते हुए आए हैं। अब ये धागा हमारे यहाँ है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दो फंदे का एक करेंगे, वापस डालेंगे इसे, फिर से हम दो का एक करेंगे, फिर से इसे वापस डालेंगे और दो का एक करते हुए यहाँ हमारे 30 फंदे रहने तक सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये पट्टी के फंदे हमने यहीं छोड़ दिए हैं। ये कंधा जोड़ने के बाद इसी धागे से पीछे वाले पल्ले के बीच के फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। उसी धागे से आप करते हुए जाएंगे तो बहुत सफाई से होगा। अब यहाँ देखिए इस कंधे पर हमारे अब सिर्फ 30 फंदे रह गए हैं। अब हमने अपना सेकंड वाला फ्रंट वाला पार्ट उठाना है और इसको भी हम देखिए ऐसे लेंगे। अब ये हाँ इधर हमारी नॉट लगी हुई है और ये इधर है। सबसे पहले हम अपने इन फंदों को पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से करके दूसरी सिलाई में अपने सारे फंदे पलट लेना ऐसे, क्योंकि हमने जो है अपने ये कंधे जोड़ने तो सीधे से सीधा मिलाना है पहले पल्ले को। तो देखिए ये हमने जोड़ने इसको पलट लिया है, अब हम इसको ऐसे लेंगे। और अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब इनको हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि अब हम ये वाली सिलाई भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, क्योंकि हमारा इधर भी धागा है और एक धागा इधर भी है, तो हम जो है इसको दोनों सिलाई ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो मैं अपनी बिना नोट वाली ही सिलाई लेती हूँ। देखिए पहले ये जो पट्टी वाले फंदे हैं इन्हें मैं इस सिलाई में ले लूंगी। 2
ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। देखिए फ्रेंड्स, ये 11 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, क्योंकि बटन पट्टी पहले हमारी ये वाली बनकर आएगी यहाँ तक, तब वो यहाँ पर ऐड होगी। तो अब हम इन्हें देखिए कैसे जोड़ेंगे। एक फंदा जो है फ्रेंड्स, हम ये वाला लेंगे, इधर वाला एक इधर से लेंगे, एक इसमें से, वही करेंगे, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, इस तरह से करते हुए ये सारे फंदे मैं एक सिलाई में इकट्ठे कर लेती हूँ। आप अपने इसी तरह से कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये वाले फंदे भी अपने सारे एक जगह पर इकट्ठे कर दिए हैं, इस इधर के भी और इधर के भी। आप ये देखिएगा, इस साइड से ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे यहीं पर छोड़ देंगे, अभी हम इसे बाइंड ऑफ नहीं करेंगे। कंधे जोड़ते टाइम फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसी ही सिलाई रखिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से इनको अब हम यहीं छोड़ देंगे, और ये जो हमारी पट्टी है इसको बुनना शुरू करेंगे। आप उसी तरीके से बुनेंगे जैसे हम बुनते आए हैं, वही अगर आपने उल्टे उल्टे फंदे से बटन पट्टी बनाई हो तो उल्टे उल्टे फंदे से बना लीजिएगा, और सीधे उल्टे से बनाई हो तो वो बना लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस पट्टी को अब हम अपने इसी तरीके से बुनना शुरू करेंगे। ये मेरा एक फंदा उल्टा और एक फंदे सीधे की पट्टी है। अब इस पट्टी को बुनते हुए आपको जो है इसकी लेंथ यहाँ तक बनानी है, इस हिस्से तक। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इसे यहाँ तक बना लेते हैं और साथ के साथ इसको हम सिलाई करेंगे, इतना बना लेते हैं पहले, फिर आपको सिलना बताऊंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले ये वाली जो पट्टी है इसको इस तरह से बनाइएगा। आपने जो है इसको यहाँ नहीं जोड़ना है पहले, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ ऐसे जोड़ देंगे पहले बना करके, तो फ्रेंड्स या तो इसकी लंबाई ज्यादा हो सकती है, या ये ऐसे खींच के, क्योंकि वूल है, वूल तो खींच के भी पूरी हो जाती है। बट हमने इसको ऐसे नहीं करना है, इसको हमने क्या करना है, पहले इसको उसमें जोड़ने से, इस वाले पार्ट में जोड़ने से पहले एक सुई में धागा लीजिएगा आप इस तरह से, और यहां से इसको सिलना शुरू करेंगे इस वाले पार्ट से। एक तो फ्रेंड देखिए, यहां से जब हमने इसको जोड़ा था तो हल्का सा यहाँ पर ये गैप आ जाता है, तो हम इसको यहां से करेंगे। देखिए बहुत सफाई से इसको जोड़ना होता है, ऐसे ऐसे लेंगे इसको, और इस धागे को हम यहां पर पक्का कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए ऐसे, अब आप यहाँ पर इसकी एक नोट लगा लीजिएगा और इस धागे को यहाँ से काट दीजिएगा। ये देखिएगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर बड़ा नहीं छोड़ना है, वरना ये अच्छा नहीं लगता है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सीलते हुए जाएंगे इसी तरीके से। अब यहाँ से इसको लेंगे, उल्टी साइड से इसको सीलना फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसको सीधे हिस्से की तरफ से नहीं सीलना है, उल्टी तरफ से, जो कार्डिगन का उल्टा हिस्सा हो उसी तरफ से आप सीलना इसको पट्टी को, और बहुत बारीक बारीक टाके से सीलना, ताकि इसका कोई भी टाका नजर ना आए। बहुत बारीक महीन टाके से इसको सील देना है आपने। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने इसको जोड़ना है। तो मैं इसको पहले यहाँ तक एक बार जोड़ लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरा इसको सीलने लगेंगे तो इसको मैं यहाँ से सील कर, आपने सीलना इसी तरीके से है, बिल्कुल इसको छोटे छोटे टाके लगा करके सील देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने पट्टी को जोड़ना है। पट्टी को यहाँ से सीलते टाइम ये बात को आपने ध्यान रखना है कि ये जो पट्टी है ये बिल्कुल भी नहीं खींचनी चाहिए, इसको ऐसे हाथ पे रख लेना है, ताकि ना तो ये खींचे और ना नीचे वाला खींचे, बिल्कुल इक्वल इसकी सिलाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये पट्टी हमारी खींच के सिल गई तो फ्रेंड्स यहाँ से ये सिकुड़ जाएगी, और इस कार्डिगन की जो लुक है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इनको हाथ पे रख के ऐसे सील लेना, ताकि ये पट्टी खींचे ना। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप साथ के साथ इसको सील के देखिए, क्योंकि मैंने जब इस पट्टी को मिलाया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पट्टी की लेंथ पूरी हो गई, लेकिन जब हम इसको साथ के साथ ऐसे सील के देखते हैं तो देखिए अभी हमारी पट्टी बननी बाकी रह गई है। तो अब इसकी लेंथ हम इतनी देखिए यहाँ तक की है, इसमें कम से कम 8-9 सिलाई और बनेंगी, वो मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फिर जब आपका इतना रह जाए तो इस पट्टी को फिर यहाँ से लगा कर इस तरह से नापना, ये यहाँ तक,
ये जो बीच वाला गैप दिख रहा है, ये हमने कंधे जो जोड़े हुए हैं, यहाँ तक ये पट्टी पूरी आ जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले तो हम यहाँ पर दो चार टांके लगेंगे, पहले हम अपने यही लगाएंगे सिलाई वाले, ताकि हमारा कहीं से कोई गैप ना आए। इसी तरीके से आपको सील लेना है, इसे हम दो चार टांके और लगाने हैं तो लगा लेती हूँ। आपको इसी तरीके से इसको पहले सील लेना पट्टी को, क्योंकि ऐसे सीलने से फ्रेंड्स जो इसकी शेप होती है पीछे से नेक की, बहुत अच्छी आती है ना। ये पट्टी आपकी छोटी बनेगी और ना ही बड़ी बनेगी। अब देखिए कैसे करना है, यहाँ तक सीलने के बाद अब इसे छोड़ दीजिएगा और इसे यहाँ पर ज्वाइंट कीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो आपका धागा है, अगर इस वाली पट्टी में यहाँ पर धागा हो तो इस धागे को आप यहाँ पर रख सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ भी आपका धागा ना हो तो इसको बुनते हुए आप एक सिलाई इधर रखिएगा, इसके सिलाई के मुंह की तरफ इधर होना चाहिए आपका धागा, क्योंकि जब हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे फ्रेंड्स, हम इस साइड से नहीं करेंगे। जब आप ये बटन पट्टी यहाँ पर जोड़ रही हो तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि इसे हम इस हिस्से से जहां हमने ये बटन पट्टी ज्वाइंट की है वहां से बंद करना शुरू करें और यहां तक आए। अगर हम यहां से बंद करना जाएंगे तो फ्रेंड जहां हमारा ये बंद होता है वहां एक नोट बनती है जो यहां पर अच्छी लुक नहीं देगी, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसको यहां से बंद करना शुरू करें। अब कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा इसको हमने जोड़ना है, तो ये जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं इन्हें हम पहले दूसरी सिलाई में निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो फंदे हैं इन्हें भी हम इस तरह से पकड़ेंगे और एक इधर वाली सिलाई में कर देंगे ऐसे करके, क्योंकि हमने जिस सिलाई में ये वाले फंदे जोड़े हुए हैं उसी में इनको करना है। और अब ये वाले भी यहाँ करेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं अब हमारे यहाँ आ चुके हैं, अब हम इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से, और देखिए ये तो हमारे कंधे के यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब हम इस बटन पट्टी में से एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक उधर से लेंगे, एक इसका एक इसका, और ये सारे फंदे हम एक ही सिलाई में इकट्ठे कर लेंगे ऐसे। आपके अपने जितने भी फंदे हों आप इस तरह से उन्हें एक सिलाई में पहले ले लीजिएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स ये हमारे हो गए हैं अब एक सिलाई में। अब हम इन्हें यहां से बंद करना शुरू करेंगे, देखिएगा ये तो है हमारा जिससे हमने ये वाला पल्ला हमारा बुना हुआ था, जिससे हम बंद करते आए थे इस धागे से, इसे हम यहां पर जब यहां से बंद करते आएंगे तभी काटेंगे। और ये हमारा सुई वाला धागा है, इसको हम अभी यही रहने देंगे क्योंकि यहाँ अभी हमारा एक होल बनेगा ये वाला जो हमने इसी सुई से बंद करना है उसे। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर दो फंदे का एक करेंगे कोने पर, दो का एक करके फंदा वापस डालेंगे, फिर आगे हम तीन का एक करेंगे। यहां से आप थोड़ा टाइट सा बंद कीजिएगा, लूज मत रहने दीजिएगा, हल्का सा टाइट, ज्यादा भी टाइट नहीं, हल्का सा टाइट करके और इसको ऐसे बंद कर दीजिएगा। ये देखिएगा ऐसे तीन फंदे का एक किया, ये फंदा वापस डाला, तीन का एक किया, फिर से वापस डालेंगे इसको हम, और इसी तरीके से हम सारे फंदे बंद करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ बहुत सफाई से हमारे ये कंधे जुड़ेंगे, आप जब अपने कार्डिगन में इस तरह से कंधे जोड़कर देखेंगे तो आप खुद कहेंगे वाओ ये तो बहुत अच्छे से हो जाता है। इस तरह से हम इन्हें जोड़ लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पट्टी के फंदे तो यहाँ पर जुड़ चुके हैं, ये हमारा जो यहाँ पर ढीला, देखिए आपको बार बार ढीला हो रहा है क्योंकि हमने इससे जो है अपने ये पीछे वाले पल्ले को हम बंद करके लाए थे। पहले तो हम इसे इसमें लेकर के तीन का एक करेंगे, फिर से हम तीन का एक करेंगे। अब आपने क्या करना है, पहले आप इसे यहां ऐसे खींच लीजिएगा क्योंकि यहां पर ये ढीला नहीं होना चाहिए, इसको यहां से फिर आप काट लीजिएगा ऐसे। अब हमारा ये बिल्कुल हट गया है यहां से, और इसे इस वाले देखिए जिससे हम बंद कर रहे हैं जिस धागे से, उसी के साथ लेकर के यहां पर पक्का कर दीजिएगा, बांध दीजिएगा इसे इस तरीके से।
आप एक नोट दो नोट में जितने अब उसको अच्छे से पक्का कर सकते हैं उतने में कीजिएगा। मैं लगभग यहाँ पर 3 नोट लगाती हूँ ताकि ये जब इसकी धुलाई हो तो ये यहाँ से कभी भी खुले ना। तो ये हमारा यहाँ पर पक्का हो गया है। अब हम वही करेंगे अपना 3 फंदे का एक करेंगे और सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं पहले देखिए इसी तरीके से 3 का 1 3 का 1 करते हुए ये सारे फंदे कंधे के जोड़ लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब हम इसे यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे सोन के गोले को, और यहाँ हमारे देखिए 2 धागे हैं तो हम इन दोनों को यहाँ से पहले ऐसे काट देंगे। काटने के बाद देखिए ये जो 2 धागे बचे हैं इनको यहाँ पर आप पक्का कर दीजिएगा ताकि ये यहाँ से निकले ना। इस तरह से यहाँ पर आप 2 नोट लगा दीजिएगा। अब यहाँ क्या करना है देखिए, ये जो हमारा सुई में धागा है यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए अब एक छोटा सा आपको छेद नजर आ रहा होगा, ये रहा, इसे भी हम इसी तरीके से यहाँ से बंद कर देंगे। यहाँ से इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद कर देना है ताकि यहाँ पर कोई छेद नजर ना आए। ये हमारा यहाँ से बंद हो गया है। अब सुई के धागे को पक्का करके काट दीजिएगा, 1-2 बार आप इस तरह से निकालिएगा और इसे भी हटा दीजिएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स अब हमारी जो है ये राउंड नेक बन गई है, आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स ये कार्डिगन की हमारी जो है राउंड नेक बनके तैयार हो गई है। क्योंकि कई फ्रेंड्स क्या करते हैं ये वाली पट्टी ले जाते हैं और यहाँ बीच में जोड़ देते हैं दोनों को, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जो इसका जोड़े हुए होते हैं वो बहुत बेकार लगते हैं। देखिए हमने इसको यहाँ पर जोड़ा है, कितनी अच्छी इसकी शेप आई है यहाँ से। ये इसका बैक वाला पार्ट है, देखिए यहाँ से फ्रेंड्स अगर आपको ये कंधे जोड़ने का कार्डिगन में राउंड नेक बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।